ये होटल का क्या नाम है, होटल की क्या है ये, आपसे पूछ रही हूँ। अभी देख रहे हैं आप? हाँ, क्या लोगे? आपको जो अच्छा लगे वो दे। मौसम अच्छा हो रहा है अभी, 2-3 दिन से मौसम बहुत ही अच्छा है, तो 2-3 दिन से मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे ही रहे मौसम तो अच्छा है, बारिश हो जाए है? आज सही में अच्छा लग रहा है मौसम, बाहर निकले तो वैसी गर्मी नहीं लग रही जैसी गर्मी हो। अभी देख रहे हैं क्या बनाना है। हम लोग आए हैं गार्डन के न्यू वैली में। अच्छा, यहाँ हम लोग बहुत दफ़ा आ चुके हैं। बहुत आए, कार से आते थे हम लोग यहाँ। बच्चे भी आए मेरा ख्याल है, दाने फसल बहुत आए। हाँ, दूर है सर लोग वहाँ से। हाँ, हम लोग घर से थोड़ा दूर है, मगर खाना बहुत अच्छा है और बहुत शुरू से मतलब मैं तो आता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बहुत छोटा था तब से बाबू जैसे आते थे हम लोग संडे को दरिया किनारे जाते थे घूम करके, तो इधर ही से होते हुए जाते थे। तो आते रहे हैं हम लोग, तो अच्छा है, बढ़िया है, खाना पीना बहुत साफ सुथरा है, वेजिटेरियन है, साउथ इंडियन है, और बंगला फिल्म की हीरोइन है अपर्णा सेन, जो बंगाल की नजर से वो जानते हैं, वही बिल्डिंग में रहती है, बिल्डिंग के बाहर से अच्छा बिल्डिंग है उसी में, अच्छा वहीं रहती है। अलीपुर है पास में, यहाँ से जू है, तो ये सारा कुछ। वहाँ बहुत हाथ धोने जा रहे हैं, खाने का उधर ना बहुत से खाना है, किचन है। बहुत आए हैं जब दानिया गुजर छोटे थे तब आए, मुझे लगता है अदिल नहीं आया है। आप अदिल को लेकर आए नहीं? आप अदिल नहीं आया है यहाँ पर अदिल से? अदिल हाँ, दानिया गुजर छोटे थे सब लोग आए हैं। हाँ, तो उस टाइम हम लोग कार ये निकाल लेते थे, तो जहाँ कार थी वो मेरे ख्याल वैगन आर थी, तो हम लोग वैगन आर में आते हैं, उससे पहले 800 भी थी कभी, उसमें भी आए हैं, ब्लू रंग की 800 थी, फिर वैगन आर थी लाल, उसमें आए हैं। इग्निस में यहाँ नहीं आए हम लोग अभी तक, इस नई गाड़ी में यहाँ नहीं आए, अब नहीं क्या वो भी 4 साल हो गए उस गाड़ी को भी। बाकी ऐसा तो बहुत बार आए हैं, मोटरसाइकिल से मेरा ख्याल है शायद आज हम दूसरी बार ही आए होंगे, मोटरसाइकिल से हम ज़्यादा नहीं आए हैं क्योंकि दूर है ये, थोड़ा हमारे इलाके से दूर है, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता चलाना, ट्रैफिक जैसा है कलकत्ते का, और सबसे बड़े तो मुझे डर लगता है, सच पूछिए तो 2 चक्कर चलाने में मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि नए लड़के बहुत रफ चलाते हैं। अब मैं एक तरफ से चलता रहता हूँ, बहुत हूँ करके इतनी दूर जाता है कि घबराहट हो जाती है। तो अब इन लोगों को तो अपनी जान का कुछ है नहीं, अंग्रेज दो वर्ड छोड़ के गए हैं सॉरी और थैंक यू, तो मार देगा धक्का, हाथ पैर तोड़ देगा, फिर बोलेगा सॉरी। तो भाई उस सॉरी से बचने के लिए आप साइड साइड चलिए, तो मैं वही करता हूँ। तो वाकई में बहुत स्पीड चलाते मुझे डर लग रहा था, चला आप रहे थे डर मुझे लग रहा था, इतनी स्पीड से निकाल के लेके जाते हैं बगल से तुम्हारे, बहुत ही ज़्यादा। तो हमने ऑर्डर करा है रवा डोसा, जैसे कि उत्तपम, जैसे कि हम रवा डोसा डोसा खाते ही रहते हैं। मन मुझे लगता है कि अगर हम बंगाल में पैदा नहीं होते तो शायद कहीं आंध्र या तमिलनाडु में पैदा हुए रहते, जितने शौक से हम लोग डोसा खाते हैं मुझे लगता है वो लोग भी नहीं खाते होंगे। वो लोग आते हैं ना यहाँ, कोई साउथ से आता है तो पूछता है भाईजान बिरयानी कहाँ मिलती है अच्छी, तो हमें बड़ा ताजी होता है यार ये बिरयानी खोज रहा है, हम रहा होते ढूंढ नहीं खाते हैं कलकत्ते में कौन अच्छा बना रहा है। तो इन्होंने ऑर्डर दे दिया है रवा डोसे ताज़ा बना के कोई भी देगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो रवा डोसा तो ऐसे ही बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और फिर हम लोगों की पसंद होती है क्रिस्पी हो, थोड़ा कड़ा हो, रवा डोसा अगर क्रिस्पी नहीं है तो फिर बेकार है, फिर तो आप नॉर्मल डोसा खा लीजिए, बल्कि चपाती खा लीजिए। रवा डोसा का है थोड़ा कड़क होना चाहिए, सूजी वगैरह रहता है तो थोड़ा
टाइम लगता है उसको बनाने में, नॉर्मल डोसा के कंपेरेटिवली मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा। अब ये तो बनाने वाले बता सकते हैं, साउथ इंडियन कोई देख रहा हो तो वो कमेंट करके बता सकता है कि क्या ऐसा है या नहीं, मेरा ऐसा मानना है। बाकी नाम बहुत है इनका, गार्डन कैफे अलीपुर में, मतलब एक बहुत ही प्रोमिनेंट जॉइंट है ये खाने वालों का। जो लोग वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं खासकर साउथ इंडियन, तो उसमें अच्छा खासा नाम है, बढ़िया नाम है। और आपको यहाँ सारे वही मिलेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, मर्सिडीज़ वाले और ये वो गाड़ियाँ लगा करके गाड़ी में बैठ के खाते हैं ऑर्डर लेके, तो वो अच्छा क्वालिटी अच्छी है, ताज़ा है। और हम लोगों का कम आना होता है क्योंकि हमारे रूट में नहीं है, हमारे आने के लिए भी यहाँ आना पड़ेगा। हालांकि ये लोग जो यहाँ रहते हैं खिदरपुर में, इकबालपुर खिदरपुर, तो उनके लिए यहाँ से थोड़ा पास है। तो हमने आनंद में भी रवा खाया था, तो इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने कड़ा भी करने बोला, उसने कड़ा भी नहीं। उस दिन क्या हुआ, वो उस दिन हुआ ये कि वो खाने का टाइम था और आनंद वाले को क्या है, मतलब उनका बहुत अच्छा चलता है उस इलाके में, तो होता है जब आपका थोड़ा चल जाता है तो थोड़ा सा आपका गुरूर आ जाता है, तो वो अच्छा नहीं था। उनको बोला था मैंने उस दिन को थोड़ा सा उनको क्रंची कर दीजिएगा, मतलब थोड़ा कड़ा कर दीजिएगा, लेकिन उसने दिया नहीं वैसा कर दिया, तो मैंने बोला नहीं उसको कुछ, थोड़ा ठीक है चलो, बच्चे भी थे साथ में, क्या आओ फोटो ठीक है फिर बात। पहले अच्छा देता था, हालांकि मेरी फुप्पो होती तो बोलती भैया ये अच्छा नहीं है ले जा, मुझे दूसरा बना के देती, वो फिर मैंने ऐसा होता कि वो आधा जो खा लिया उन्होंने वो तो ख़त्म हो गया, बाकी नया बना के जब तक नहीं देता वो उसको छोड़ती हूँ, उसके घर भी जा सकती थी है जो हमने कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो वो खोल के फिर दूसरा बनवाएंगे, भाई अच्छा नहीं बना है, हम लोग तो खा लेते हैं, वो नहीं खाते हैं उनको क्या। हम लोग कहाँ गए थे, विष्णुपुर गए थे ना, जो तोपम बना खिलाया था, हाँ मद्रासी कैफे गए हुए थे, वहाँ तोपम बना खिलाया, और वो तोपम बोलती है अच्छा नहीं बना, उसको बुला के उन्हें बोला, उन्होंने फिर दूसरा लिया ले के रही, अपनी रहती तो नहीं खाती, हम तो खा लिए थे, तो उस तोपम आ चुका है यहाँ पर, खाते भी बताते कैसा है यहाँ का। कैसा है, अच्छा है, ठीक कैसा है पापा, अच्छा है उत्तपम, बढ़िया बना है, बुरा नहीं है, अच्छा थोड़ा नमक कम है, लेकिन ये लोग नमक कम ही रखते हैं जनरली। बहुत सारे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज आते हैं तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, नमक कम रखते हैं और चटनी जो है उसमें थोड़ा नमक तेज कर देते हैं, तो जो नमक खाने वाला होगा वो चटनी से खा लेगा। आ चुका है, आलू अलग से दिया है क्योंकि रवा डोसा में यहाँ पर आलू नहीं देते हैं, अलग से आलू देते हैं। और उत्तपम भी बहुत अच्छा है, मज़े का ये खा रहे हैं, मैं खा चुकी हूँ, मैं अब रवा डोसा खाऊँगी। रवा डोसा कैसा है, आलू मगर अलग से, बहुत ही हासिल करता है।
आप भी ले लो दही बड़े। हाँ आप भी ले लो, एक छोड़ दिया आपके लिए दही बड़ा, आप भी खा लो। अच्छा है, मजे का है। हाँ कैसा लगा? अच्छा, इसका अच्छा होता है, सही में अच्छा है, इसका हर चीज़ अच्छा है। रवा डोसा तो तुम दिल खुश कर दिया, रवा डोसा अंदर से ऐसा है। कौन था, किसका फोन था? अरे दानी, तब अपने घर को जा रहे हैं, यहाँ पेट्रोल पंप है और उस तरफ पूरा रास्ता है, और ये इस तरफ अब होटल था। हवा लेंगे ना, तो जो भी टायर में हवा भराएंगे फिर वो आगे पहुँचेंगे। ये हवा भरवा रहे हैं, थोड़ा हवा कम हो गई थी तो ठीक है, भरवा ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ आए थे खाना खाने। खाना क्या था ये हमारा? चल घुमाना होगा। हाँ चुके हैं। काफ़ी मौसम अच्छा था, बाहर में ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही। घर में तो आप कैसा लग रहा? गर्मी है बहुत ही ज़्यादा, बाहर अच्छा हो रहा है मौसम।